नमस्ते सभी को। आज हम कक्षा 7 पाठ 7 संकल्प सिद्धिदायक पढ़ेंगे। संकल्प सिद्धिदायक, संकल्प सिद्धिदायक वाला होता है। अगर आपने बच्चों कोई भी चीज़ या किसी भी लक्ष्य के बारे में सोच लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो वो सदैव सफलतादायक वाला होता है। वो आप निश्चित रूप से उसको पा सकते हो। इसलिए कहा जाता है संकल्प सिद्धिदायक, दृढ़ निश्चय ही करके ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। आगे देखिएगा बच्चों, पहली पंक्ति है इस पाठ की, पार्वती शिवम पति रूपेण अवाशत। पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। एतदर्थं सा तपस्या कृतुम इच्छत, इसके लिए उन्होंने तपस्या करनी चाही। सा स्वीक्रियम मनोरथम मात्रे नवेदियत, उन्होंने अपना प्रयोजन माता को बताया। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत, यह सुनकर माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत, यह सुनकर माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। माता मेना कौन है यहाँ पे? पार्वती जी की माता। मेना वत्से, हे पुत्री, मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति, इच्छित देवता तो घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर कोमल है। गृह एव वस, तुम घर में ही निवास करो। अत्रैव तव अभिलाषा सफलः भविष्यति, यहाँ पर ही तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। पार्वती अम्ब, हे माता, तादृश अभिलाषा तू तपस्या एव पूर्ण भविष्यति, हे माता वैसी इच्छा तो तप के द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मैं तपस्या ही करूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। मेना पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा, मेना कहती है बेटी तुम मेरे जीवन की चाह हो। पार्वती सत्यम, सत्य है, परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते, परंतु मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, सफलता प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में मैं आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकं गौरीशिखं गच्छामि, विजया के साथ मैं गौरी शिखर जाती हूँ। तब ततः पार्वती निष्क्रमति, ततः पार्वती निष्क्रमति, तब पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तप्ति स्म, पार्वती मन से वाणी से तथा कर्म से तपस्या करने लगती है। कदाचित रात्रो स्थंडले, कभी रात्रि को जमीन पर, और कदाचित स्लाया स्वपीति स्म, और कभी कभी पत्थर पर सो जाया करती थी। एकदा विजया अवदत, एक दिन विजया बोली, विजया सखी, हे सखी, तप प्रभावात हिंसक पशु अपि तव शाखाय जाता, हे सखी, तप के प्रभाव से तो जो खूंखार हिंसक पशु भी तुम्हारे क्या बन गए हैं, मित्र बन गए हैं। पंच अग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, तुमने पंच अग्नि व्रत भी कर लिया है, पर पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती अय विजये, पार्वती कहती है अय, अरे विजया, किम क्या न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, महापुरुष कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करता है। अपि च मनोरथाम अगतिह नास्ति, और इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। विजया त्वं वेदम अधिवति, तुमने वेदों का भी अध्ययन किया। यज्ञ संपादिवति, यज्ञ संपन्न किए। तप कारणात जगति त्वं प्रसिद्धि, इस तपस्या के कारण तुम्हारा संसार में क्या हो गई है, प्रसिद्ध भी हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो।
पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ता है। अपर्णा बच्चों, यहाँ पे जिसने पत्ता भी ग्रहण नहीं किया है इस कारण इनका नाम पड़ा अपर्णा। पार्वती, अई आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्य, अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वाषामि। नेपथ्य में, अरे भो मैं अहम आश्रम वटु, मैं क्या हूँ, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वाषामि, जल पीना चाहता हूँ। संभ्रमम विजय, प्रश्य कोऽपि वटु आगतो अस्ति, घबराहट के साथ विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटति अगच्छत, विजया शीघ्र ही गई। सहसे वटु रूपधारी शिव तत्र प्रविशति, अचानक ही ब्रह्मचारी रूपधारी शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया वटु स्वागते, विजया कहती है ब्रह्मचारी को तुम्हारा स्वागत है। उपविशन्तु भवान, आप बैठिए। इयम मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिव प्राप्तुम अत्र तप करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या करती है। ये तपस्या करते हुए का चित्र है पार्वती जी की, और विजया का भी चित्र है, साथ में खड़े परिचय दे रहे हैं वटुधारी शिव को। वटु, वटुह हे तपस्विनी, वटु ब्रह्मचारी है जो, हे तपस्विनी कह रहे हैं, तपस्विनी किम क्रियार्थम, पूजा पूजो उपकरणम वर्तते, क्या तप के लिए पूजा सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए जल आदि आसानी से मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल है। तुम तो जानासि एवं शरीर अभ्यम खलु धर्म साधने, तुम जानती हो प्रथम धर्म साधन निश्चित रूप से शरीर है। पार्वती तुष्टिम तिष्ठति, पार्वती चुप ही खड़ी हो जाती है। वटु हे तपस्विनी, हे तपस्विनी किमर्थम तप तपसी सिवाय, तपस्विनी किसके तप कर रही हो। शिव के लिए, पार्वती पुनः तुष्टिम तिष्ठति, पार्वती पुनः चुप खड़ी हो जाती है। विजया आकुली भूयम, आम तस्मै एव तपः पर तप्ति। जो विजया है वो परेशान होकर, आकुली हुए परेशान होकर कहते हैं हाँ तस्मै एव तपः तप्ति, उनके लिए ही तपस्या कर रही है। वटुधारी वटु रूपधारी शिव सहसे उच्चे उपहसते, ब्रह्मचारी रूपधारी शिव एकदम जोर से हंसते हैं। वटु अई पार्वती, वटु जो कि ब्रह्मचारी है बोलते हैं, अई पार्वती अरे पार्वती सत्यम तुम शिवम प्रपतिम इच्छसि, अरे पार्वती क्या यह सत्य है कि तुम शिव को ही अपने पति प्राप्त करना चाहती हो। उपहासन हंसकर, नामना शिव अन्यथा अशिव, हंसकर कहते हैं वह नाम से ही शिव है वरना अशिव है। शमशानी बस्ती, वह शमशान में रहते हैं। यश त्रीणी नेत्राणी, जिनके तीन नेत्र है, वसन व्याघ्र चम्र, और जो बाघ का, बाघ होता ना उनकी चमड़ी का, व्याघ्र बाघ की चमड़ी के वस्त्र पहनते हैं। अंगराग चिताभस्म, और अपने शरीर पर अपने किसकी चिता की राख का लेप करते हैं। परिजनाश्च भूतगणा, तथा उनके मित्रगण भूतों की टोली है। किम तमेव शिव पतिमिच्छसि, क्या उस शिव को प्राप्त करना चाहती हो पति के रूप में। पार्वती क्रुधा संति क्रोधित होकर, अरे वाचाल ज़्यादा बोलने वाले अप्सर हट जाओ। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। तथा त्वमसि तथे वदसि, जैसा तुम हो वैसा तुम बोलते हो। विजया के प्रति सखी चल, सखी चलो। निंदा करोति स तु पाप भागी भवति एव, जो निंदा करता है वह तो पापी होता ही है। तथा त्वमसि एय यह सुनोति सो अपि पाप भाग भवति, और जो सुनता है वह भी क्या होता है, पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगता निष्क्रमति, पार्वती तेज गति से निकल जाती है। तदेव पृष्ठतः वटु रूपम परित्यज्य शिव तपश्चा हस्तः गृह्णाति, तेज गति से कौन निकल जाता है, पार्वती तेज गति से निकलती है। तभी पीछे से ब्रह्मचारी तथे पृष्ठतः, मतलब तभी पीछे से
ब्रह्मचारी रूप को छोड़कर शिव रूप परित्यज्य रूप को छोड़कर शिव उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा से कांपती है, पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है। फिर ये चित्र है जिसमें शिवजी ने अपना रूप बताया है, वटु रूप से हटा के शिव। हे पार्वती, पित्रो अस्मि तव संकल्पने, तुम्हारे संकल्प से मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभति अहम तव तपो भी कृत दासो अस्मि, आज से आगे मैं तुम्हारा तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। विंताना पार्वती भी हसंती, विंताना पार्वती भी हसंती, मुँह नीचे की ओर करके पार्वती मुस्कुराती है। धन्यवाद बच्चों।